जाते हैं तब जब रास्ते में दुकानें आएंगी लोहे की, उसमें से एक चिमटा घर लूंगा। और अपने पाल दोस्त अपने दोस्तों ने जो भी हम जो भी खिलौने दिए हैं वो खिलौने किसी के काम में, फिर वो खिलौने देखकर आनंद मानेंगे। और वही चीज चिमटा जो काम की चीज है तो उसे काम आएगी। तो अब बात दोस्तों अपने पाठ्य पुस्तक में लिखे, उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। जब हामिद ने दुकानदार को पूछा कि ये चिमटा कितने का है तो 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे, बेटे 6 रुपये अंदर से। हामिद का जो बैठ गया है कि हामिद जो हृदय में नम भराई गई, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। लेकिन फरीद बोले फरीद तभी बताओ ठीक ठीक 5 पैसे लेंगे। लेके बराबर अभी तारा पास 5 पैसा नहीं लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनाने किनारे ले वो तो ले चलवा मान। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लेंगे। कि हामिद पुताना हृदय मजबूत करेंगे, पुताना विश्वास ताकत रखेंगे, लेकिन तभी 3 पैसा ले सो। और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़किया न सुने। लेकिन अब ये आगे चलने में भी अभी कहा दुकानदार ओए तो आपने तो अच्छी कीमत बोले, आपने अच्छे दुकानदार के बोले कि हम बिक्री करो। लेकिन दुकानदार ने गुड़किया नहीं दी, परंतु दुकानदार नहीं बोलियो नहीं बुलाकर चिमटा दे दिया। लेकिन उन्हें बुला लिए चुकी हो अभी भी दो। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। लेकिन हामिद ने ये चिमटा लेने की कपड़ा ऊपर मुक्यो कि जाने की बंदूक ले जब दो में देव लगे। फिर शान से पकड़ता हुआ संगियों के पास गए। लगे साथ लगे ताकत की थे बुताना जी मित्रों आता ही नहीं बुले गए। मौसी ने हर्ष कर कहा जब मौसी नसी ने बुले हो यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, लेकिन आज चिमटे सामान लाया हूँ तू वगैरह इसका क्या करेगा है तुम आदमी सु करीस। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा है कि हामिद ये चिपियो तो ये जमीन पर पछाड़ी में कहियो, जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिरा हूँ लेकिन जरा तारो बिस्ती जे अपना मत बुलावे तो मेरे जमीन ऊपर तो पटक। सारी कुशलिया चूर चूर हो जाएगी बच्चों की, लेकिन ना सारा अंगो बदला नीजसी बच्चा। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है, लेकिन महमूद बोले कि यह चिमटे को रमक पूछे। हामिद खिलौना क्यों नहीं, हामिद बोले कि रमक तो नहीं अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गए यानी तो खबाव पर आके ले समझो कि बंदूक दे गई हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। अरे के हाथ मत लइए जैसे फकीरों हो लेके जे बाबा भाई फकीर ये बजाय इतनी माफक थे। चाहू तो इससे मंजिले का काम ले सकता हूँ कि जो इच्छा जो हमें इच्छा रहा है ने मंजिला तरीके पर हुए ने काम हो नहीं सकूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। जो एक अचिपिया वाले जो गोर फेरू तो आप बजाय बनता हो चूर चूर लेके टुकड़े टुकड़ा दे जाए। तुम्हारे खिलौने कितने जोर लगाए मेरे चिमटे का बाद में बांका नहीं कर सकते। जो तुम्हारा रमंडा हो जो बधारे बधारे टुकड़ों पर हमारा चिमटिया में कई थाए वो गति बाद उसे रहे कि या तो बात नहीं हो मेरा चिमटा है या तो तुम्हारा चिमटी हो। सम्मी ने खजरी ली थी, लेकिन सम्मी एक खजरी ली थी प्रभावित होकर बोला लेके आनंदित नहीं बोले मेरी खजरी से बटलोंगे दो आने की है, लेकिन तुम हमारी खजरी तो लाइस ले आना नहीं से। हामिद ने खजरी की ओर अपेक्षा से निकाल के हामिद ने खजरी सामने नजर
કમરે ની જિલ્લી લગાવી ડબ ડબ બોલને લગી, બસ ચામડાની લગાવી દીધો, ડબ ડબ બોલવા લાગી. જરા સા પાણી લગ જાય તો ખતમ હો જાય, કે જો એને થોડું થોડું પાણી લાગી જાય તો એ ખતમ થઈ જાય. મેરા બહુ મેરા બાપ ચિંતા આજ મેં પાણી મેં આંધી મેં તુફાન મેં બરાબર ડટા રહી કરે કે મારો બાપ આવું ટકા બાબુ છૂટ્યું આગમાં પાણીમાં પવનમાં અને તુફાનોની અંદર પણ એમનાએ રહેશે. ચિંતેને સખીકો મોહિત કર લીધા, એટલે આ ચિંતાએ બધાને ચકિત કરી દીધા. લેકિન અબ કિસકે પાસ દરિયા, એટલે કે હવે કોઈની પાસે કઈ પૈસા રહ્યા નથી. ફિર વેલે છે બહુ દૂર નીકળ આવ્યા, એટલે પરંતુ તે મીરા માટે બહુ દૂર નીકળી ગયા. દૂધ તેજ હો રહી હતી, ગરમી બહુ પડતી હતી. ઘર પહોંચને કી જલ્દી, એટલે કે ઘેર પહોંચવાની ઉતાવળ છે. બડો છે જીત કરે તો બી ચિંતા નહીં મળી શકતા, એટલે જો મોટા લોકો કહેશે તો પણ હું છૂટ્યો આપીશ નહીં. હામી ખરે બધા ચાલાક, એટલે હામી બહુ ચાલાક હતું. ઈશ્વરીએ ઉસને અપને પૈસે બચ્ચા રાખી દઈશ, એટલે કે એના માટે હામી જે પોતાના પૈસા બચ્ચા રાખ્યા હતા. કે વકીલ એટલે નુરે લાવ્યો, નુરેના પાસે વકીલ હતો તો એમનો પણ
દીવાલ મે દો કુટિયા ગાડી એટલે કે દીવાલની અંદર બે કુટિયા લગાવવામાં આવી ઉન પર લકડી કા એક પટરા રખા રહે એટલે કે ના ઉપર એક લાકડીની પટ્ટી લાકડાની પટ્ટી મૂકવામાં આવી પટરે પર કાગળ